पोस्ट मास्टर की रिपोर्ट, और रिपोर्ट आते ही ये मालूम हो जाएगा कि उसने आत्महत्या किया है या उसका मर्डर हुआ है। देखिए सर, हम अपने स्टाफ के साथ ठाकुर करम सिंह के हवेली पर पहुंचे तो वहां के नौकरों को इकट्ठा किया, गांव के काफी लोगों को इकट्ठा किया और सब लोगों से हमने जानकारी लिया कि ठाकुर के साथ में कैसे क्या हुआ है। तो गाँव के लोगों ने बताया सर कि इनके एक लड़का था, अचानक कहीं गायब हो गया हो, और एक ही लड़का था उनके, तो उसी गम में उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। सर मैं क्या करता, कोई मौके पर वारिस तो था नहीं, इसलिए लाश को ले जाकर थाने पर कार्रवाई पूरी की और उसके बाद में थाने के बाहर रख करके लाश को जलवा दिया हमने। लाश को जलवा दिया? यस सर। तो अब तुम अपना कानून बनाने लगे हो? नहीं सर, हमने अपना कोई कानून नहीं बनाया। आपने ही तो कहा था कि आत्महत्या के केस जो थाने पर आए उसका पंचनामा लिखवाकर लाश को थाने के बाहर रखकर जलवा देना चाहिए। मैंने वही किया सर। सर सर एक बात कहने के लिए भूल गया था, क्राइम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। शरीफ और ईमानदार लोग बड़ी आसानी से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं सर। हमें तो सबसे ज्यादा आपके विषय में चिंता रहती है क्योंकि आप भी एक ईमानदार पुलिस अफसर हैं, कहीं आपको कुछ हो गया तो अपना ख्याल रखना सर। जय सर। करम सिंह आत्महत्या तो कर ही नहीं सकता है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। विक्रम सिंह, अगर करम सिंह के मर्डर में मुझे तेरा कोई हाथ मालूम हुआ तो मैं तेरे हाथ और दोनों पैर कटवा करके तुझे अपाहिज बनवा दूंगा। हवलदार, तुम ड्राइवर्स कहो गाड़ी निकाले और कुछ फोर्स साथ में ले लो। हम चंबल चलेंगे। बाबा सुमन कहाँ है? बुलाओ सर। आती है। जय मां भोली बाबा। जय मां भोली। कर नहीं सकती, कर नहीं सकती जय भक्त नारी, वो करके दिलाओ दीदी कुंवर सिंह कमीने दुनिया से तुझे बचा दूंगी। वो सामने पुलिस की गाड़ी आ रही है। पुलिस की गाड़ी? ये लोग आएंगे यहां तक जिंदा, मगर इन हरामियों सालों की लाश यहां से वापस जाएगी। सूरज देखो, सूरज तुम सुमन को लेकर के उस स्कूल जाओ, बाकी साथी मेरे साथ रहेंगे, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो बेटा। ठीक है बाबा, जाओ। और सुमन तुम हमारे साथ। ये घोड़ों के टापों के निशानों से ये मालूम पड़ता है कि अभी यहाँ कोई ना कोई था। था जरूर सर। हवलदार, यस सर। इतना याद रहे, कोई भी डाकू दिखाई पड़ता है तो ऑर्डर लेने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत गोलियों से भून डालो। तुरंत आगे बढ़ कर दे। अगर जरा से तुम सबके कदमों में जुमिस हुई तो मार कर सबको ढेर कर दूंगा। एसपी बलवंत सिंह, पहचाना? याददाश्त बहुत ही तेरी पक्की है। जग्गू, जगराम सिंह कहो। अरे जगुआ, मरने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? हंस ले, शायद ये तेरी अंतिम हंसी है। हवलदार के बच्चे, ऐसा ना हो कि डाकुओं के सामने तुझे हम शूट कर दें। क्या समझता है, हम इतनी आसान मौत तुझे नहीं मारने वाले हैं।
सबसे पहले तो हम जो ये तेरे सर के बाल हैं इनको बनवा देंगे, उसके बाद तेरे मुंह पे फिर कंधे पर बिठा करके और इसी बस्ती में तेरी नुमाइश कराऊंगा। फिर जहां जहां तेरा आतंक कायम था बस्ती के लोग देखेंगे, उसके बाद बीच चौराहे पर खड़ा करके तुझे गोली मारूंगा। क्या देखता है लेट? तो अभी चंबल में ये छर्रे लेकर के घूम रहा है। अपनी नजरें खोल साले भड़वे की औलाद और देख, यहाँ सिर्फ चारों तरफ तुझे तेरी मौत ही नजर आएगी। खुली आंखों से ख्वाब देख रहा है या हकीकत? मैं ख्वाब या सपना नहीं देखता हूँ, देख मुझे, मैं खुद एक बुरा सपना हूँ। इतनी तेज चीखो चिल्लाओ मत वरना फेफड़ा कमजोर पड़ जाएगा। फेफड़ा तो आज साले तेरा कमजोर होगा कुत्ते। क्या समझता है बलवंत सिंह अकेला है? अरे इस चंबल के चारों तरफ इतनी पुलिस फोर्स लगी हुई है कि हमारे एक ही इशारे पर तेरे जितने साथी हैं सबके चीथड़े उड़ते हुए नजर आएंगे। वाह, तेरे हौसले बुलंद हैं, लेकिन शायद तू ये नहीं जानता है क्या? तुम जैसे कानून के दलों को मुझे मिटाना अच्छी तरह से आता है। अच्छा, और मैं चाहता तो तुझको उसी दिन मिटवा दिया होता। अगर मैं चाहता तो साले तेरी लाश गिरा कर तेरी लाश पर पैर रखकर तभी आता। शायद तुझे ये नहीं मालूम है कि एसपी बलवंत सिंह बारूद का वो ढेर है कि हमारे तक पहुंच नहीं सकता, छूते ही तू जलकर खाक हो जाएगा। वाह, क्या सोच है तेरी, बारूद का ढेर। लेकिन साथ तुझे ये नहीं पता है कि सूरज वो चिंगारी है कि तू जैसे बारूद के ढेर में जला से लग जाए तो जलकर वहीं पर खाक हो जाएगा। हमेशा दीवारों पर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग कर वही छिपकली के बच्चे जिसे काट लेते हैं एक बूंद पानी के लिए तड़प कर मर जाता है। अरे तू क्या मारेगा? आया था दगराम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, खुद ही मर गया। अब इसकी लाश को पोस्टमार्टम हमारे चंबल के चील और कबे करेंगे। बलवंत सिंह, साले तेरी रिवॉल्वर ने तेरी जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया है, आज तेरी ही रिवॉल्वर ने तेरी जान ले ली। अब ये तेरी रिवॉल्वर तुझी को ही मुबारक हो साले हरामी के।